डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती की लंबे उम्र की कामना करता हूं। इस चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा जी, हमारे मुख्य अतिथि महोदय, ब्राह्मण समाज के संरक्षक, ब्राह्मण समाज को मान सम्मान दिलाने वाले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, परम श्रद्धे, परम आदरणीय, परम पूज्य श्री सतीश चंद्र मिश्रा साहब, इस चुनावी जनसभा में उभरा हुआ जनसैलाब पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, करौलिया विधानसभा में आप आए हैं जो इतना बड़ा जनसैलाब है, क्या इसी तरह से हर मीटिंगों में मतलब की भीड़ हो रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार आपकी बन रही कि नहीं बन रही? देखिए, जिस तरीके से आपने यहाँ का जन सैलाब देखा, आपने करौलिया में हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आपको दिख रहे हैं। अभी बहन मायती जी आई थी, आजमगढ़ का जन सैलाब देखा था आपने, जगह कम पड़ गई थी, इतने लोग आए थे। तो ये और हर जगह यही हो रहा है, हर विधानसभा में जो आप यहाँ देख रहे हैं वही हर विधानसभा, मान लीजिए इसी तरह से लोग आ रहे हैं। और ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में जो हम लोग कह रहे हैं और जो और लोग भी कह रहे हैं कि एक तरफा वोट अब की बार बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ रहा है। छठे और सातवें चरण का भी जो चुनाव होने जा रहा है उसमें बहन मायती जी के और हाथी के निशान पे बटन दबा करके अब की बार वोट पड़ेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायती जी की बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगी एक तरफा। जब ब्राह्मण वोट की जो है, ब्राह्मण वोट की वकालत सपा भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है, पता नहीं कहाँ की खबर आप लिए। समाजवादी पार्टी तो ब्राह्मणों का नाम ही लेके, आप उनके सामने नाम ले लीजिए तो वो मौका लगे तो आपको दौड़ा ही ले, इतने नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि ब्राह्मण का नाम क्यों ले लिया। और भारतीय जनता पार्टी तो कही रही कि हमने रोको ठोंको की नीत का इस्तेमाल तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज पर ही किया है, 500 से ज़्यादा हत्याएँ और 100 से ज़्यादा इनकाउंटर। तो आप क्या समझते हैं कि ब्राह्मण समाज अभी भी उनके बारे में सोचने का काम करे? वो जितनी भी कोशिश कर लें, अब उन्होंने हताश हो गए, उन्होंने छोड़ भी दिया, उनके नेताओं से पूछ तो लीजिए, वो खुद ही कहने लगे हैं कि अब ब्राह्मणों को मत देखो, ब्राह्मण तो गया।